Audio Jungle. आपको बताते चले कि मिर्जापुर जनपद के अदलहार थाना क्षेत्र के शर्मा मोड़ पर 22 को देर शाम स्थित एक दुकानदार पर कुछ लोगों द्वारा प्राणघातक हमला कर दिया गया, जिसमें पिता पुत्र घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार इब्राहिमपुर गांव निवासी राजेंद्र कुमार गुप्ता उम्र 45 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय धनुलाल गुप्ता थाना क्षेत्र के शर्मा मोड़ तिराहे पर मूंगफली रेवड़ी लाई चने की दुकान किराए के मकान में चलाता है। 22 तारीख को शाम पड़ोस के गरोड़ी ग्राम निवासी कुछ युवक लाठी डंडे तथा रोड के साथ दुकान पर पहुंचे तथा राजेंद्र को गाली गलौज करते हुए मारने पीटने लगे। वहीं बैठे उसके पुत्र राजकुमार उर्फ अमन उम्र 15 वर्ष, पुत्र राजेंद्र गुप्ता बचाव में पहुंचा कि हमलावर पिता को छोड़ पुत्र पर टूट पड़े और रोड से सिर पर वार कर लहूलुहान कर दिए, जिससे वह गिरकर बेहोश हो गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार पहुंचाया, जहां घायल की स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने उसे ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया, जहां उसकी स्थिति अभी तक गंभीर बनी हुई है। पिता राजेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने गरोड़ी निवासी चार युवकों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम कर तफ्तीश कर रही है। हालांकि घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जिस तरह से लाठी डंडे से लैस होकर हौसला बुलंद हमलावर पहुंचे दुकानदार को मारने पीटने लगे, वहां तिराहा है, बाकायदा पुलिस की ड्यूटी लगती है। उस समय पुलिस कहां थी, सबसे बड़ा सवाल है। अब लखीमपुर खीरी जिले की घटना शांत भी नहीं हुई थी। एक बार फिर मिर्जापुर में योगी सरकार की अपराध पर अंकुश लगाने का मामला सामने आया है। जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठी डंडे से लैस होकर हौसला बुलंद लोग दुकानदार को पीटने का काम किए हैं, वाकई झकझोर देने वाली घटना है। अब देखना यह है कि पुलिस अपराधियों के पीछे कब तक पहुंचती है। योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की दावों की पोल एक बार फिर खुली है। घटना से नाराज होकर बाजार वासियों और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचकर करीब 4 घंटे तक वाराणसी शक्तिनगर मार्ग जाम किया था। मौके पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर और डीएम मिर्जापुर और काफी संख्या में पीएसी बल और कई थानों की फोर्स मौजूद रही। आला अधिकारियों के समझाने के बाद जाम समाप्त कराया। यहाँ पर एक गड़ौली गांव है, कोई धर्मा मोड़ गड़ौली में कोई घटना हुई थी और आज भी कोई घटना हुई है। उसके प्रदेश में गांव वाले असंतुष्ट थे और उन्होंने जाम लगा दिया था और कुछ इसमें कार्रवाई के लिए और हम लोग मौके पर पहुँच करके जिलाधिकारी महोदय और एडीएम साहब, एसपी साहब और एसपी सिटी में खुद यहाँ पर हम लोग आए हुए थे और सभी हमारा पुलिस बल था, पीएसी वगैरह भी थी। पूरा बातचीत से थोड़ा सा जाम को हटाने के लिए प्रयास किया गया, थोड़ा समय लगा लेकिन धैर्यपूर्वक पुलिस ने इसको बातचीत से हल कर दिया है और बाकी जो है नियमानुसार जो भी सख्त कार्रवाई होगी संबंधित मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Audio Jungle.